हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और बेसिकली पिछली कुछ वीडियोस में आपने स्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखे होंगे, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है, उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आए, जो कि आपके स्टैटिक्स के टाइप्स का दूसरा टाइप है, लाइक इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। फर्स्ट वन इज टू के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वी कवर इन द टू वीडियोस, लाइक फर्स्ट वन इज टू बी फॉर सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड वन इज टू बी फॉर डिस्क्रिप्टिव, सॉरी डिस्पर्सन के लिए। क्लियर? सो ये तीसरी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा जो स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। बेसिकली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं मैंने आपके लिए, लाइक इसके अंदर प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो बेसिकली प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ डिफरेंट आउटकम्स इन अ रैंडम इवेंट। क्लियर? आप यदि डेफिनेशन के थ्रू देखें तो प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ डिफरेंट आउटकम इन अ रैंडम इवेंट। क्लियर? इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस एज इट हेल्प एनालाइजिंग अ विच वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना सच एज वेदर पैटर्न्स। क्लियर? स्टॉक प्राइस एंड ट्राफिक फ्लो, ये लाइक आपको वाइड रेंज के फेनोमेना को जानने के लिए यूज होता है। यदि एग्जांपल की बात करें तो वेदर के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या एनालाइज करने के लिए, या स्टॉक मार्केट की प्राइस को एनालाइज करने के लिए, ट्रैफिक के जो फ्लो है उसका लाइक यदि अपन देखें तो उसका एनालिसिस के लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ व्हिच इज यूज्ड टू विजुलाइज द लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट आउटकम। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। बेसिकली हमारे पास जो है दो टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, फर्स्ट वन इज टू अ डिस्क्रीट एंड सेकंड वन इज टू अ कंटिन्यूस। यदि मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात करूं, बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड व्हेन द पॉसिबल आउटकम्स आर फाइनाइट और काउंटेबल सच एज द नंबर ऑफ हेड्स इन ईच सेवन सॉरी 10 कॉइंस टॉसेस। बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आर यूज्ड टू व्हेन द पॉसिबल आउटकम ऑफ आर फाइनाइट, मतलब एक जो पर्टिकुलर जो आउटकम आना है वो एक फाइनाइट रेंज या काउंटेबल में है, तो आप उसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। यदि एग्जांपल लें सच एज द नंबर ऑफ हेड्स, यदि अपन हेड्स की बात करें, 10 यदि सिक्कों को उछालते हैं तो मे बी आपके 10ों के 10 हेड आ जाए, मे बी आपके 9 हेड आ जाए, तो ये आपका लाइक फाइनाइट होता है और एक काउंटेबल होता है, तो ये आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में आता है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि बात करें द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्राफ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ बार्स। क्लियर? यदि आप बात करें जो उसका ग्राफ होता है वो आपका सीरीज ऑफ बार्स होता है। क्लियर? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड व्हेन द पॉसिबल आउटकम्स आर फाइनाइट एंड कैन टेक एनी वैल्यू सच एज द हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? बेसिकली यदि अपन बात करें कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लाइक यदि आप बात करें यूज टू व्हेन द पॉसिबल आउटकम्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट सॉरी बेसिकली यदि हम डिस्क्रीट की बात कर रहे थे तो वहां पर आपका जो आउटकम था वो फाइनाइट था और काउंटेबल था, बट इन अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी आपका जो लाइक आउटकम्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं एंड कैन टेक एनी वैल्यू, कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? सच एज द हाइट और इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। क्लियर? कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। द ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्मूथ कर्व। क्लियर? वहां पर क्या होता है आपके वार्स सीरीज के वार्स के फॉर्म में आपका फ्लो हो रहा था, यहाँ पर आपका सिंपल लाइक यदि मैं बात करूँ तो कर्व के फॉर्म में आपका क्रिएट होता है। क्लियर? उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस। इट इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज अ बेल शेप कर्व एंड इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन। क्लियर? बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो उसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और नॉर्मल को आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका लगभग हर ही जगह आपका यूज होता है इन स्टेटिक्स एंड डेटा साइंस। इट इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज अ वेल शेप्ड कर्व। यदि जो आपकी बात करें तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी जो शेप
कर्व्ड बनती है, वो एक वेल शेप्ड होती है एंड इज अ सिमेट्रिक अराउंड द मीन। जो आपका वो जो भी पर्टिकुलर बनेगा वो आपका अराउंड द मीन सिमेट्रिक होगा। एंड मेनी नेचुरल फॉर्मिना फॉलो द फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बॉडी वेट एंड आईक्यू स्कोर्स, जो कि आपके लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लो होते हैं, कर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज बाय टू पैरामीटर्स, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। द मीन रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल द स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट द स्प्रीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। क्लियर? आपको यदि डेफिनेशन से क्लियर हो तो जो आपका जो एरिया होता है अंडर द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप डेफिनेशन की बात करें, द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ईच ट्रायल कैन ओनली हैव टू आउटकम सच एज सॉरी सक्सेस और फेलियर। क्लियर? बाइनोमियल आपका लाइक जो होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ईच ट्रायल कैन ओनली हैव टू आउटकम्स, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। क्लियर? एंड द ट्रायल्स आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ हेड्स इन ईच 10 कॉइंस टॉसेस फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स एन। क्लियर? जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, जो आपकी सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर और आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स पर। क्लियर? द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी एंड एन। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है लाइक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और द स्पेस। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन पैरामीटर लैम्डा व्हिच रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स इन द इंटरवल। यदि एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिना दैट फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द नंबर ऑफ कार्स एक्सीडेंट इन अ डे, द नंबर ऑफ कॉल्स टू अ कॉल सेंटर इन एन आवर, एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेस इन अ मिनट। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ कॉन्सेप्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर? यदि मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन बोलती है क्या, इन स्टेटिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्फरेंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ डेटा। द मीन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिटरमाइन इफ देयर इज इनफ एविडेंस टू सपोर्ट अ क्लेम और हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन। क्लियर? आपको कोई भी क्लेम करना है या हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन करना है तो वहां पर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग लाइक नेसेसरी, यदि मैं बोलूँ नेसेसरी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और टू भी लाइक दो टाइप की होती है, आपकी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यदि हम नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। H0 स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन द ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड और स्टडीड। इट एज्यूम दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस और इफेक्ट आर ड्यू टू रेंडम वेरिएशन और चांस। क्लियर? तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, जो कि आपकी रिप्रेजेंट की जाती है जीरो से, स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा और इफेक्ट बिटवीन द ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड और स्टडीड। क्लियर? इट एज्यूम्स दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस और इफेक्ट आर ड्यू टू रेंडम वेरिएशन और चांस। क्लियर? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जो आपकी रिप्रेजेंट होती है H1 से, प्रोसेसेस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है रिलेशनशिप आपका और अफेक्ट बिटवीन द ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड और स्टडीड। इट सजेस्ट दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस और इफेक्ट आर नॉट सिंपली ड्यू टू रेंडम वेरिएशन और चांस बट रेदर टू अ स्पेसिफिक कॉज और इफेक्ट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। क्लियर? तो ये आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डेफिनेशन है, इसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ नल हाइपोथेसिस कुड बी दैट द मीन वेट ऑफ द एप्पल्स इन अ पॉपुलेशन इज 20 ग्राम, वाइल द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कुड बी दैट द मीन वेट ऑफ एप्पल्स इन अ पॉपुलेशन इज लेस देन 200। क्लियर? यदि मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं तो आपको एग्जैक्ट पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है लाइक
वहां पर आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लाइक आप यदि बात करें तो वहां पर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि जो लाइक दैट द मीन ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स इन अ पॉपुलेशन इज 20 ग्राम और 200 ग्राम। और यदि अपन अल्टरनेटिव की बात करें, वहीं पर अल्टरनेटिव क्या कहता है कि जो आपका मीन वेट ऑफ एप्पल्स इन अ पॉपुलेशन इज लेस देन 200। क्लियर, यहाँ पर लेस देन 200 है, एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। इसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल आर अ रेंज ऑफ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डेटा दैट प्रोवाइड्स अ लेवल ऑफ सर्टेनिटी दैट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉल्स विदिन दैट रेंज। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू एस्टिमेट द इंटरवल ऑफ वैल्यूज दैट कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर विदिन अ गिवन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95% फॉर द मीन वेट ऑफ अ पॉपुलेशन इम्प्लाइज दैट वी रिपीटेडली टॉक सैंपल्स एंड कंस्ट्रक्टेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर, वी कुड एक्सपेक्ट 95% ऑफ दीज इंटरवल्स टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लाइक इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स के मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको बताया था कि लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स क्या होती है, उसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लाइक इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स क्या होती है, उसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं लाइक नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपका लाइक वजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको लाइक डेफिनेशन वाइज और थ्योरी वाइज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाइज आपको क्लियर हो चाहिए। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।